नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए बात करते हैं कलाम के द्वारा जो प्री व्याख्याता का जो पेपर करवाया गया था, ठीक है। तो पेपर सेकंड की बात करते हैं, जिसके अंदर इस वीडियो में जो बायोलॉजी का पेपर था तो उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। तो आंसर की के आधार पर ही अपन सभी क्वेश्चन के उत्तर देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे पहले हमने जो जीके का पेपर था उसका वीडियो डाला था, इसके बाद अपने हिस्ट्री का डाला था, और इस वीडियो में अपन बायोलॉजी की बात करते हैं। तो ये जो पेपर कोड है वो है 05, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अगर पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम आलिया एग्जाम क्विज में जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ओबेलिया की विशेषता क्या नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, केवल पॉलिश अवस्था की उपस्थिति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोस्कोप के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में PAS अभिरंजन का कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, है निम्न में से टीन या सोलियम की विशेषता कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर 4, मादा में सिरस सेक में अंडाणु का संग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, धनिया सौंफ जीरा को कौन से कुल में वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर हो जाएगा गाजर कुल, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा लक्षण रेनन कुलेसी कुल का नहीं है। तो पांचवा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेपस की उपस्थिति, ठीक है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंढक रनाटी ग्रीना के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मेंढक का लार्वा टेडपोल मांसाहारी व अमोनोटेलिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एस्केरिस के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्सर्जी संरचना रेनेट एच आकृति कहलाती है, ठीक है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नींबू में डायबेक रोग का कारण क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CU की कमी, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, C4 में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, PEP, ठीक है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरंडी में अंकुरणी किस्में RQ होता है, कितना होता है। तो राइट आंसर इसका 0.7, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कार्य ABA हार्मोन का नहीं है। तो 11वां का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यह पादप जीर्णता को रोकता है, ठीक है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, SO2 NO2, ठीक है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 13वां का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, विकल्प बी को छोड़कर सभी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, शुक्राणु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, पूंछी भाग में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भ्रूणीय परिवर्धन का सही क्रम कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, युग्मक निषेचन युग्मजन और विदलन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन 1 और कथन बी दो कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए पहला कथन ए है, जीरा तथा धनिया मसाला देने वाले पादप हैं, और दूसरा है दोनों में फल का उपयोग होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में मादा जनन तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो 17वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मादा यूनि में सारिता का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हस्ट्रोन प्रोटीन्स में अधिकता होती है, तो किसकी होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टिडीन
और जीनिन और लाइसिन, ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, प्लाज्मोडिस मेटा संबंधित होते हैं, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, पादप कोशिकीय आसंजन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए का खंड जो उत्परिवर्तन में भाग लेता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, म्यूटोन, ठीक है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, एक दंपति की 5 लड़कियाँ हैं, छठे बच्चे के लड़का होने की कितनी प्रतिशत संभावनाएँ हैं, तो 21वां का राइट आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी संरचना केंद्रक रहित होती हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विकल्प 3 को छोड़ के सभी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, परितंत्र में ऊर्जा वितरण से संबंधित असत्य विकल्प कौन सा है, तो 23वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा वितरण अधिकांशतः एक दिशीय लेकिन कभी कभी बहुदेशीय होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, रक्त कैंसर क्या कहलाता है, तो रक्त कैंसर क्या कहलाता है, ल्यूकीमियास, ठीक है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, समसूत्री विभाजन के दौरान सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो 25वां का राइट आंसर है प्रोफेज, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, कोलिप हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि से होता है, तो राइट आंसर है पैराथायराइड ग्रंथि से। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि की क्रोमोफिल कोशिकाओं से स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, तो राइट आंसर है एड्रिनलिन, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, असूत्री कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है, तो 28वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फियोफाइसी, ठीक है 28वां के अंदर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, कार्प सिलुटिटियम से स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से सही खाद्य श्रृंखला हैं कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और शीर्षस्थ उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, साइकस में कायिक जनन होता है द्वारा किसके द्वारा होता है, तो 31वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बुल बिल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त बही प्लोएमी अंत आदि दारुक अवरोधि सवहित सवहनी पुल किसकी विशेषता है, तो 32वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक बीज पत्री तनाव, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, हैंड्रोसोट्रिक सवहनी पुल होते हैं, तो 33 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जाइलम केंद्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्कंदन है, तो 34वां में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी, हिपेरिन और हिरुडिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, केस्पेरियन पट्टियों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो 35वां में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये सभी पादपों के तने में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य के वाय गुणसूत्र पर उपस्थित जीन क्या कहलाती हैं, तो 36वां का राइट आंसर है होलोड्रिक, ठीक है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से टेरिडोफाइटा पादप कौन सा नहीं है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंथोसीरस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, कार्पस एल्बिनकेंस मस्तिष्क के कौन से भाग में स्थित होते हैं जो गंधग्राही का कार्य करते हैं, तो 38वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथैलेमस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, बोंगरा केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं, तो 39वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, स्टील रंभ की उपस्थिति कौन से पादपों में नहीं देखी जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिक्शिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4, ब्रायोफाइटा सोलेंटो सोलेनो स्टील, ठीक है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, किसको सरीसृप नोमास्तनी कहते हैं, तो किसको कहा जाता है, तो 42 के अंदर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कंटिके चिटी खोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, द्विबीजपत्री पादपों के तने की हाइपोडर्मिस किस ऊतक से बनती हैं, तो 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थूल कोण ऊतक से, ठीक है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 है, अमाशय की पेराइटल कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, तो 44 में राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित किया गया है, तो 45 का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, थाइमस रेटिकुलोसाइट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य में निश्वसन आरक्षी आयतन का मान कितना होता है, तो राइट आंसर होगा 2800 ml ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, ओनियोथेरा पाइप में भ्रूण पोष किस प्रकार का पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा द्विगुणित ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य में लिंग निर्धारण करने वाले जीन जो नर की वाई गुणसूत्र पर पाई जाती हैं कौन सी हैं, तो राइट आंसर है TDF जीन ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, यूफोरबिया पाइप में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, तो राइट आंसर है साइथियम ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा पाइप प्रथम समयनीय पादप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, पीतरस की विशेषता क्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, इसमें काइमोट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से बेमेल विकल्प कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फेफड़े या सेल्स कोशिका। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्परिवर्तनवाद का मत किसने प्रस्तुत किया था, तो राइट आंसर है डी ब्रिज ने ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, कार्ट वहिल संरचना किसमें नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर है यहाँ पर केंद्रिका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57 है, अधिकांश पादपों में निषेचन के समय परागलनिका का भ्रूण कोष में प्रवेश कौन सा देखा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोरोगेमी। क्वेश्चन नंबर 58 है, डेंड्रोन की विशेषता क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विकल्प ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए मास्ट कोशिका द्वारा स्रावित पदार्थ कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिक्रेटिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, अखरोट में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो बीज पत्र होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61, माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम का अवसाधन गुणांक कौन सा है, तो राइट आंसर है 70S। क्वेश्चन नंबर 62, पेपस नामक संरचना जो दल के रूपांतरण से बनती हैं जो वायु प्रकीर्ण में सहायक होती हैं किस कुल में पाई जाती हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा विकल्प दलपुंज विन्यास के लिए सही सम्मिलित नहीं है, तो 63 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोर छादी सेम। क्वेश्चन नंबर 64 है, विदलन में होने वाला विभाजन है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि प्रावस्था रहित समसूत्री। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा लार्वा पिता कर्मिका नहीं है, तो 65 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ओरी क्लूलेरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, वाष्पोत्सर्जन की दर घटती है, तो राइट आंसर है आर्द्रता बढ़ने पर ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा डीएनए सबसे लंबा व पतला होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जेड डीएनए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य 1979 कोटा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा लक्षण पोएसी कुल का नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनंत परिदल व संयुक्त 3 पुकेंसर की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 70 है, पादपों में बिंदु स्त्राव के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यह ताप बढ़ने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अनुसंगी डीएनए एक उपयोगी साधन है? तो राइट आंसर एक हो जाएगा न्यायालय विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 72 है, पायरेथ्रम कीटनाशी दवा क्राइसेंथेमम पादप से प्राप्त होती है, यह किस कुल का पादप है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा विकल्प केंचुआ के संदर्भ में असत्य है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रथम अंतिम क्लाइटेलम खंड में सीटी उपस्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, गुड लूम तथा सिंक्स क्रमशः पाए जाते हैं? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉकरोच व कबूतर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से ब्लू व्हेल के संदर्भ में असत्य कथन है? तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 77 है, सन 1999 में कोटो व उसके सहयोगियों के द्वारा केंद्रक प्रत्यारोपण से कौन सी ट्रांसजेनिक गाय का निर्माण किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज व चार्ली। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से किस माइक्रोस्कोप में प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स व ग्लास लेंस के स्थान पर विद्युत चुंबकीय लेंस का प्रयोग करते हैं? तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, TEM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किस गुणसूत्रीय विकार में एक बार बार बॉडी पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एंड्री ट्रांसजेनिक सुअर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित किया गया? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82 है, जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग एंजाइम के रूप में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एबजाइम, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सी तकनीक के द्वारा अज्ञात डीएनए रैंडम को कई गुना आवर्धित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, RAPD के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सी तकनीक वाहक रहित जीन स्थानांतरण की विधि नहीं है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पुनर्योजी डीएनए तकनीक। क्वेश्चन नंबर 85 है, जैव विविधता के तप्त स्थल स्पोर्ट के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करें? तो 85 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट का कुछ भाग भारत में तथा अधिकांश भाग अन्य देश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कॉपी अरेबिका एस्टेरिसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से बीमेल विकल्प का चयन कीजिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मसालों की भूमि कहते हैं थाईलैंड। तो ये इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा एक पेलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण है? तो 88 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर 4, GAATTC, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
ऑर्निथिन चक्र वृकक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा विकल्प जुवेनाइल मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक्स सहलगन अप्रभावी वंशानुगत रोग, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 92 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए केवल डी, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डी वाला है ये यहाँ पर गलत है, तो इधर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, स्पाई रोगाइरा का जीवन चक्र डीपे लोहे प्लोटिक प्रकार का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा उत्तक का प्रकार वास्तविक संयोजी उत्तक का नहीं है। तो इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समूहनीय योजी उत्तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा रक्त कोशिका व उसके कार्य से संबंधित सही विकल्प है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विकल्प 3 के अतिरिक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, पादपों में कागेदा की क्रियाशीलता से केंद्रीय भाग में द्वितीयक कॉर्टेक्स बनता है तथा परिधीय भाग में फीमेल बनता है, तो पेरिड्रम में सम्मिलित संरचना कौन सी है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, फेलियन, फिलोजन और फेलोड्रम, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा जीव मोनेरा जगत में सम्मिलित नहीं है। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कलेमाई डोनो डोमोनास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का। इसके बाद 98, निम्न में से किस कोशिका के आधार पर पादप कोशिका व जंतु कोशिका को विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी संरचना अगुणित नहीं होती है। तो राइट आंसर है पराग कोश, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 1 सबसे लंबी व सरल अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फोरामेन ओवलिस ओवलिस अंतरानीली की अदर पार्श्व स्तर पर स्थित। इसके बाद 102, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूरेमिया, मूत्र में यूरिया की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से थॉमस हंट मॉर्गन का संबंध किससे नहीं है। तो 103 का राइट आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, सहलग्नता खोज। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। तो 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाइपिने रिया जो प्लेटी हेल मिथीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 105, निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लेमेनेरिन थियोफाइसी के सदस्यों में संग्रहित भोजन, तो ये विकल्प असुमेलित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा विकल्प आर्थ्रोपोडा संघ के लिए सत्य हैं। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ट्रिप्लो प्लास्टिक साइज जो सीलोमेटस हिमोसील और सिलोमेटस, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 107, निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, GABA तंत्रिका आवेग सदमन का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद 108, निम्न में से कौन अपने चरों मानों से अत्यधिक प्रभावित रहता है। तो 108 में राइट आंसर होगा ऑप्शन समानांतर माध्य। इसके बाद 109, एन मानों के समुच्चय का उनके माध्य से विचलनों का बीज गणितीय योग होता है।
तो 109 में राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद 110, माध्यिक विचलन सबसे कम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा माध्यिका से। क्वेश्चन नंबर 111 है, विचरण गुणांक एक सांख्यिकी श्रृंखला में मानक विचलन पर आधारित परिक्षेपण के गुणांक सीवी का कितने गुणा होता है, तो 111 का राइट आंसर होगा 100 गुणा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं के द्वारा मिलाकर बनाया जाता है, तो 112 में होगा आवर्ती बहुभुज, ऑप्शन नंबर दो। इसके बाद 113, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, साइटोकाइन रोध व कोशिकीय रोध उपार्जित प्रतिरक्षा के रूप में सुरक्षा करते हैं। इसके बाद 114 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, पूसा स्वर्णिम कर्णराय कर्षण विलगन प्रतिरोधी, ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो 115 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार, विकल्प एक दो तीन तीनों ही सही है, एक दो तीन सभी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सी नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, माइक्रो सिसिस्टिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर चार। देखिए क्वेश्चन नंबर 117, ई कोलाई क्लोनिंग स्वाहन PBR 332 में प्रतिबंधन स्थल कौन सा नहीं है, तो 117 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, कोशमेड, ठीक है। 118, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, जायंगदर मयूसेंडा, ऑप्शन नंबर तीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, टाइफा तथा ड्रोसेरा में संयुक्त परागगण अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद 120, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित हैं, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, यहाँ से साइकोलॉजी की क्वेश्चन है, ठीक है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसके बाद 122, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह कथन दिया गया, तो राइट आंसर है हर लोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123, कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य विश्वास देखभाल और वफादार निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं वह है, तो राइट आंसर होगा परंपरागत, ऑप्शन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को अधिगम की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, तो 124 का राइट आंसर है बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर 125 है, पियाजी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक में लंबाई क्षेत्रफल आयतन अवधारणाओं की समझ विकसित हो जाती है, तो 125 का राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद 126, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। इसके बाद 127, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्यपूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो राइट आंसर हेडफील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 128, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर है अंतर्दृष्टि अधिगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 129, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम समझाया गया था, तो किसके द्वारा समझाया गया था, तो राइट आंसर है डेविड असुबेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर 130, निर्मितवाद के संबंध में असत्य कथन है, तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं। इसके बाद 131 है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो राइट आंसर है जेबी वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 132, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर पर आने के बाद उसे अपनी पत्नी व बच्चों पर व्यक्त करता है, यह उदाहरण किस रक्षा युक्ति को दर्शाता है, तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार, विस्थापन।
क्वेश्चन नंबर 133, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो 133 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बीएफ स्किनर। इसके बाद 134, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय सिद्धांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135, यह किसने कहा था कि संप्रेषण विचार विनिमय के मोड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर है एडगर डेल ने। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी संप्रेषण के घटक हैं? तो राइट आंसर है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाले मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा शारीरिक विकृतियां। क्वेश्चन नंबर 138, विभिन्न सर्वे दृश्य सामग्रियों से सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं? तो 138 में राइट आंसर क्या होगा? एडगर डेल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से क्या श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो राइट आंसर होगा टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 140 है, रिचर्ड सक्समैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है? तो राइट आंसर होगा पूछताछ पर शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रिम संघटक शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा समस्या का सामना करना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 142 है, वैज्ञानिक पूछताछ परिप्रेक्ष्य मॉडल प्रतिपादक के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो कौन होगा? जोसेफ जे स्वाब, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 143 है, सहकारी अधिगम व्यू रचना है? तो राइट आंसर होगा अधिगम कर्ता केंद्रित, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है? तो 144 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 145, ICT को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न तकनीक उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिसे सूचनाओं का संप्रेषण सृजन प्रसार संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके। इसके बाद 146 है, शैक्षिक तकनीक के मृदुपगम के जनक थे कौन थे? तो 146 में राइट आंसर होगा बीएफ स्किनर, ऑप्शन नंबर 1। 147 का क्वेश्चन है, कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? तो प्रणाली वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 148 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है ये सभी? तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 149 है, जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर सह अधिगम। इसके बाद है बायोलॉजी का जो 150वां क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो है निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ALU, CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो ये था बायोलॉजी का पेपर, ठीक है, इससे पहले ने हिस्ट्री का पेपर देखा था और GK का जो पेपर था वो देख लिया था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को जरूर ऑन करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, आलिया एग्जाम क्विज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लेवे, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।